हेलो फ्रेंड्स, आर्ट्स किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम होटल के जैसा मूंग दाल का खास्ता कचौड़ी, जिसको जिसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मूंग दाल। आप अपने सुविधा के अनुसार आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो जिसको कि मैं समय कम लगने के लिए मैं 4 घंटा उसको सोक करके और मिक्सी के जार में देखिए इस तरह से दरदरा पीस ली थी। आप ओवरनाइट भी उसको सोक कर सकते हैं। मैं 4 घंटे सोक की हूँ और दरदरा पीसी हुई हूँ। देखिए इसमें कुछ कुछ खड़े भी हैं दाल, तो ये बिना छिलके वाले दाल है मूंग के। और यहाँ पे ना मैं 50 ग्राम बेसन ली हूँ, जिसको दोनों को मिक्स करूँगी। तो चलिए इसको इसका मसाला रेडी करती हूँ। तो ये देखिए मैं कढ़ाई ले ली हूँ, मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, खड़ा जीरा डालूंगी मैं इसमें। तो ये देखिए मेरा जीरा चटक गया है। इसी के साथ मैं हींग इसमें ऐड करूंगी। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हींग के साथ ही मैं मसाले कुछ ऐड करूंगी, जिसमें देखिए कुटा हुआ लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा पाउडर है और ये थोड़ा सा गर्म मसाला है। मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, 1/2 टेबल स्पून। और इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन। तो ये देखिए मैं इसमें बेसन डाल दी हूँ। ये देखिए मेरा बेसन भुन गया है। मैं इसी के साथ मैं इसमें दाल डाल रही हूँ और इसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसका कच्चापन जो है टेस्ट वो खत्म नहीं हो जाए। और भूनने के बाद ये खुद मतलब एक वो रोस्ट टाइप का हो जाएगा, जैसे सत्तू होता है उस टाइप से हो जाएगा। तो मैं इसको 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही भूनूंगी। अच्छे से भूनना है ताकि इसमें जो कच्चा कच्चा टेस्ट नहीं आए दाल का। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं इसका डो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हम डो बनाने के लिए मैं यहाँ पे 250 ग्राम मैदा ली हूँ और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 4 बड़ा चम्मच घी। घी को मैं थोड़ा सा वो पिघला ली थी और इसको अच्छे से मैं इसमें मिक्स करूँगी। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड करूँगी। आप अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, या नहीं कम खाते हैं तो नहीं डालें। अगर थोड़ा सा टेस्ट और इन्हांस होना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं इसमें। तो मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी, जो कि बहुत सॉफ्ट भी नहीं होगा और बहुत टाइट भी नहीं होगा, मीडियम में होगा, ताकि मेरा कचौड़ी जो है खास्ता हो। तो ये देखिए हमारा डो लग चुका है। अब मैं इसका छोटा छोटा लोई बनाऊंगी और उसमें फिलिंग करूंगी और कचौड़ी का शेप दे दूंगी। तो देखिए इस तरह से हाथ पे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, मीडियम मीडियम है। तो इस तरह से मैं इसका अंदर में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसका शेप दे रही हूँ। इस तरह से फिलिंग करूंगी और इसको हल्का हाथ से दबाते हुए इसके पोर्स को बंद करके, और आप चाहे तो गोल भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से दबा दीजिएगा। दबाने के बाद भी ये फूल जाएगा जब तेल में जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मेरा कढ़ाई भी चढ़ चुका है, तेल भी गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा मतलब हीट नहीं है तेल, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में मैं डालूंगी तो ऊपर का पार्ट क्या होगा कि पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो एकदम लो फ्लेम है अभी, इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम में डालना है, जिससे क्या होगा कि अंदर से पक जाएगा। और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम रखना है ताकि अंदर और ऊपर से सिक जाए, और सिकने के बाद इसका कलर भी अच्छा है। तो एकदम लो फ्लेम पे इसको रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा मूंग दाल का कचौड़ी रेडी हो गया है और मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से खास्ता बना है। तो ये देखिए
किस तरह का खास्ता बना है मेरा मूंग दाल का कचौड़ी। अगर आप इसी ट्रिक के साथ एवं टिप्स के साथ बनाएंगे तो आपका मूंग दाल का कचौड़ी बहुत ही परफेक्ट होगा। आप शेप बड़ा छोटा दे सकते हैं, मैं छोटा छोटा बनाई हूँ। और इसको आप आलू की चटनी के साथ, सॉस के साथ, चाहे मतलब किसी भी जो चीज़ आपको पसंद आए उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। अगर मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में बताएं कैसा बना है। थैंक यू।